वो इधर सर। हेलो हेलो एंड वेलकम मित्रों, मैं हूं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। आज यहां आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन का तीसरा दिन है, 15 मई, और आज यहां कार्यक्रम 9 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। और आज आपको रूबरू करवाते हैं हमारे यहां हमारे जो वडील भाई और हमारे आदिवासी भाई जो देश के कोने कोने से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे हैं। जो कार्यक्रम 13, 14, 15 जनवरी को आयोजित होता है और यह 29वां महासम्मेलन है जो कोरोना की वजह से किन्हीं कारणों की वजह से कैंसिल हुआ था, जो मई 13, 14, 15 को आयोजित किया गया था। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे यहाँ देश के कोने कोने से जो आदिवासी हमारे भाई पहुँचे हैं तो उनका क्या विचार है इस कार्यक्रम को लेकर। जी भाई आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है हरिचंद्र देव पवार, मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील में रहता हूँ और मैं महासम्मेलन में 13 तारीख को आया हूँ। आप कब से मतलब इस आदिवासी एकता महासम्मेलन से जुड़े हुए हो? हाँ, मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। अगले साल मध्य प्रदेश के झाबुआ में कार्यक्रम हुआ था महासम्मेलन, तो कोरोना की वजह से मैं आ नहीं पाया वहाँ। जी, आपको आज यहाँ के कार्यक्रम में विशेष मतलब 13 तारीख को क्या क्या आयोजित हुआ और कब शुरू हुआ 13 तारीख को, कितनी बजे? 13 तारीख को दोपहर तक स्टार्ट हुआ ये कार्यक्रम और बहुत अच्छा भी रहा ये कार्यक्रम। ठीक है जी, आप का भी हमारे आदिवासी म्यूजिक फिल्म चैनल पर स्वागत है। आप कहाँ से हैं भाई? अरविंद कुमार भील, जालौर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक रानीवाड़ा। राजस्थान से हैं? हाँ, राजस्थान। अच्छा, आपका कौन सा कार्यक्रम है ये? ये दूसरा कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम, इससे पहले मध्य प्रदेश झाबुआ गए? हाँ, झाबुआ गए थे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ, स्टडी। स्टडी करते हैं? हाँ। कब आए हो आप यहाँ पे? यहाँ 12 तारीख के शाम को आए थे। अच्छा, 12 तारीख। ये कार्ड तो फिर दूसरी बना दे। आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन प्रतापगढ़ धरियावर्द में जो स्टॉल लगे हुए हैं, आदिवासी स्टॉल आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। आदिवासी कुछ छवि हैं जो पेंटिंग हैं जिनके यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का स्टेज का जो मेन पोस्टर है ये कितने का है भैया? 50 का कंसल। ये टोटल 50 का है ये सारा पेपर्स 50 के हैं। तो भैया हर बार लगाते हो? हाँ। हर बार लगाते हो? हाँ। इस बार कब से शुरू किया था आपने? वो पेंटर इधर जाले आंग धोने के लिए जाले पेंटर के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। के लिए गया दुकान वाला। अच्छा, दुकान वाले, दुकान वाले भैया नहीं है। ये टोकरी कितने का है भैया? 500 रुपए। और ये वाला 400। और ये रुमाल 200 रुपये का रुमाल है। भाइयों, आप यहाँ से हमारा आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन से आप खरीद सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के कलर आपको मिल जाएंगे, वाइट, और देख सकते हैं 2-3 कलर उपलब्ध हैं। जोहार भारत वार्षिक चेतना कैलेंडर भी यहाँ लगे हुए हैं। भैया हर साल लगाते हो? हाँ, ये इसकी नींव 2021 से रखी गई है जी, और 21 में ये कैलेंडर बाहर आया है। इसमें सारा आदिवासी समाज का इतिहास है, इसको आदिवासी समाज ने काफी सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2022 में है ये,
22 में भी इसको समाज ने अच्छा सम्मान दिया है, अब ये आगे भी समाज ने यदि ऐसा सम्मान दिया तो आता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एड वगैरह किसके लगते हैं? इसमें एड है अपने समाज के भी हैं। अच्छा, और समाज के एड लगते हैं जो भी जहाँ से भी, पहले 2 महीना पहले मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कह दिया जाता है कि एड लगना शुरू है, जो भी दे देते हैं एड उनका लग जाता है। अब ये कैलेंडर कितने का आ रहा है? ये कैलेंडर अभी तो मतलब 50 का है जी, लेकिन अभी 6 महीने चले गए हैं, 30 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ से हैं आप भैया? हम रतलाम से। रतलाम से हैं। कब आए हैं कार्यक्रम में आप? कल शाम को आए हैं। कितने समय से आदिवासी एकता सम्मेलन के महासम्मेलन से जुड़े हुए हो? 3 साल से। 3 साल से लगातार आ रहे हो? हाँ। अच्छा, ये टोकरी भी आप? हाँ ये भी। एक टोकरी कैसे दे रहे हैं? ये 170 रुपए की रोटी रखने वाली है, थोड़ी बड़ी है जो। हाँ, रोटी रखने की। अच्छा अच्छा, 200 रुपए की बड़ी थी, वो तो सारी निकल गई है। हाँ हाँ। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान, खजूर के पत्ते से निर्मित है। आप ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जैसे जैसलमेर बाड़मेर से आगे चाहे पाकिस्तान तक भी इसको सर्वे करेंगे, हर घर में आदिवासी भील है, उसमें यही रोटी के लिए मिलेगी। जैसे में ये नहीं होती है तो उसको कहते हैं कि चाहे पैसा कितना भी हो ये होना जरूरी है। अच्छा। तो ये पहली बार इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में आया है, इसको छब्बी बोला जाता है। छब्बी अपने राजस्थान के मारवाड़ में, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता जैसे मारवाड़ से है ना। हाँ, मारवाड़ से आगे इसको जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर ये सारे जो है इसमें छब्बी बोला जाता है। खजूर के पत्ते से निर्मित होती है और ये काफी, ये भी अपने आदिवासी भाई बनाते हैं, अपने समाज की महिलाएं बनाती है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जैसलमेर से। अच्छा, जैसलमेर से। चलो बढ़िया, भारत कैलेंडर का निर्माता मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इनका हम सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर देखते रहते हैं, काफी इसको सम्मान मिला। ये तो नेपाल तक भी चला गया। हमने भी मेवाड़ में निकाल रखा है कैलेंडर, है मेरा महर्षि वाल्मीकि पत्रिका। अच्छा, करके तो अभी लॉन्च करने वाले हैं, महर्षि वाल्मीकि पंचांग करके हमने लिखा। अच्छा, करीब 3 साल से चल रहा है। क्या बात, अच्छी बात है। हमारा अब तो क्या है कि समाज में लेखनी का काम चला है, अब समाज में अपना इतिहास बन रहा है। हमारा समाज खुद कलम नहीं उठाएगा तब तक सही नहीं लिख पाएंगे। सही बात है, गैर चाहे कितने भी हो इतनी ईमानदारी से थोड़ी लिखेंगे जी। और आज तक हमारे साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ मतलब इन लोगों ने गलत ही किया है। मतलब उनका इतिहास यथासंभव दबाने का, छुपाने का प्रयास किया गया, यदि वो नहीं दबा है तो उसको फेर बदल किया ऐसा जी। धन्यवाद। कौन सा यूट्यूब चैनल पे आएगा? मेरा प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। मित्रों, हमारा चैनल है प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म पर, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। चली गई है इस पे दादा, आप आप लिखो, मेरा नंबर लिख दो, अपन बात कर लेंगे, मैं लिंक भेज दूँगा। 75 68 68 54 54 17 17 30 30 प्रकाश भील हल्दी घाटी कर लो। ये मित्रों मेरा नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद भाई, जोहर। एकलव्य पुस्तकालय भी यहाँ लगा हुआ है और यहाँ आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कुछ ऐतिहासिक बुक्स यहाँ लगी हुई है। भैया कहाँ से हैं आप? दुलिया, महाराष्ट्र। दुलिया में हर साल लगाते हैं? हर साल आते हैं। अच्छा, आप कितने साल से आ रहे हैं? जब से चल रहे तब से। अच्छा, सम्मेलन जब से चल रहे। ये कितना का, कितने की है? 200 रुपये। ये 200 रुपये की है। सुभाष चंद्र कुशवाहा की द्वारा लिखित तंत्या भील द ग्रेट इंडियन मूल लाइटर
भील विद्रोह, ये कितने की हैं भील विद्रोह? 250 आदिवासी क्षेत्रों में गरीब आदिवासी लोग। और ये 300 अच्छा। ये भी आप ही के हैं कि? नहीं नहीं। अच्छा। भैया इनके बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? आपका प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपका जो स्टॉल लगा हुआ है इसमें क्या क्या सामग्री हैं और किस किस की बनी हुई है? जोहार जोहार। विद्राज सोरेन, मैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से ओडिशा स्टेट से बिलोंग करता हूँ जी। ये हमारा ट्राइबल लेडी लोगों का बना हुआ चीज है जी। ट्राइबल महिला लोग बनाते हैं जी। ये हमारा वो डोकरा का ट्राइबल नहीं बनाते, आदिवासी ही बनाते हैं, वहाँ पे संथाल आदिवासी है जी। ये खुद का उसका और कोई नहीं बना सकते, ये संथाल आदिवासी बनाते हैं उड़ीसा में, ऐसे झारखंड में भी बनता है हमारा संथाल आदिवासी, बंगाल में भी जी। ये सब जितना ये किस चीज का है? मेंटल का। अच्छा। ब्रास, ब्रास से बनता है, उसको कास्टिंग करके मुंह में डालते हैं, बाद में उसको बनाते हैं जी। ये लेडीज लोग बनाते हैं। अच्छा। महिला लोग ये सब, ये भी लेडीज लोग से समुन्द्र से लाकर उसको बना। इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा? इसको हमारे भाषा में शंख ही बोलते हैं। अच्छा, इसको भी शंख बोलते हैं? जड़वा। हमारे राजस्थान में कोड़ी बोलते हैं। नहीं नहीं, ये तो कोड़ी है लेकिन जड़वा बोलते हैं हमारा भाषा में। अच्छा। ये जो माला है ये डोकरा का, ये भी वो लेडीज लोग बनाते हैं। जितने सारे आप लेख रखे जी यहाँ पे देख रहे हैं, सब लेडीज लोग ही बनाते हैं, आदिवासी महिलाएं लोग बनाते हैं। ये पेंटिंग दिखाना? ये पेंटिंग ही, ये पापड़ है। अच्छा, बच्चों के, बच्चों के खेलने के लिए। अच्छा। आदिवासी महिला, ये हमारा ग्रुप है जैसे SSG ग्रुप, हमारा इसे एक एक ग्रुप है। SSG ग्रुप नहीं, हमारा उसको कंपनी बोलते हैं जी। कंपनी 5-6 SSG ग्रुप में लग के बनाते हैं। और ये किस चीज के? ये भी महिला बनाती है, ये छोटा ये बैठने के लिए। अच्छा। और किस चीज की, किस चीज की बनती है? घास से बनता है ये। घास और कपड़ा? कपड़ा, घास, ये घास से बंगाल में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में। अच्छा अच्छा। वेस्ट बंगाल ओडिशा के बॉर्डर में जो आदिवासी इलाका है नदिया के, सिर्फ इंडिया में यही जगह मिलते हैं, सबाई घास बोलते हैं उसको। अभी जो सम्मेलन 29वां सम्मेलन चल रहा है, आप कब से मतलब स्टॉल लगा रहे हैं? हम तो 13 तारीख सुबह से स्टॉल लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ 13 तारीख से, इससे पहले भी लगाया है आपने? और सम्मेलन में जी, मालघर में लगाया जी। वो बॉक्स में क्या है? ये बॉक्स, ये बनाते हैं, ये भी बॉक्स बनाते हैं, मशीन में कटाते हैं। ये भी लकड़ी का है? लकड़ी नहीं, घास का। अच्छा, घास का, लकड़ी का। हाँ, ये सब बनाते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक। जोहार दादा। जोहार। ये कितने का है भैया? 600 का। इसको क्या बोलते हैं? कोटी बोलते हैं। कोठी है, आदिवासी कोठी। कहाँ के? हमारे उधर झुलड़ी बोलते हैं, हम दाहोद गुजरात से। अच्छा 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 जी। कितने का है ये? ये 600 रुपए का है। और ये? ये 400 रुपए का। और ये गमछा? ये गमछा 100 रुपए का। अच्छा।
और वो जो लग रहे हैं वो सेम प्राइस है। अच्छा सेम प्राइस 400 का है वो 600 का है। ठीक सेम प्राइस है। इनके बारे में बताएंगे भैया? ये जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द के लिए तेल है, चमड़ी के रोगों के लिए है, बालों के लिए, हाँ जी, शक्तिवर्धक टॉनिक है, सफेद दाग के लिए है, एलोवेरा का साबुन है, गैस एसिडिटी के लिए है, सर्दी जुकाम के लिए, और शुगर के लिए, आँखों के लिए, और मलेरिया के लिए। आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। ये कहाँ निर्मित होता है? गुजरात में, पंचमालीस। अच्छा, या कोई कंपनी है क्या? कंपनी नहीं। अच्छा, तो कौन बनाते हैं इन चीज़? ये सस्ता द्वारा। अच्छा, सस्ता द्वारा। इनका ये तेल कितने का है? ये 70 रुपये। किसका बना हुआ है तेल? तेल ये निर्गुड़ी का है, मालिश का। अच्छा, सर में लगाने वाला कौन सा है? ये सर में। अच्छा, ये सर में लगता है। और ये इसमें क्या है? ये शक्तिवर्धक टॉनिक। अच्छा, ठीक। जोहार दादा। ये कितने का है भैया पूरा सेट? ये तीर धनुष और ये इसके साथ 800 का सेट आएगा, बड़े वाले के साथ। अच्छा, बड़ा वाला 800 का है, बाकी ये छोटा वाला 350 का सेट आएगा। अच्छा, ये नचनी बोलते हैं इसको, लेकिन क्या बोलते हैं इसको? हसनी। नचनी। अच्छा, ये कहाँ का है? जावुआ का। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये तीर रखने का है। तीर का आर्चर रखने का है, कोंडी। ये कहाँ निर्मित होते हैं भैया? घर पे करते हैं। अच्छा, घर पे ही बनाते हैं। और वो ये तीर कितने, धनुष कितने का? 500 वाले हैं। अच्छा, इनके साथ तीर भी आएंगे? तीर आएंगे, 5 तीर आएंगे। 5 तीर आएंगे, ठीक है। कहाँ से हैं भैया आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। यूट्यूब चैनल है क्या आपका? जी। कौन सा? प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म करके हैं। तो आप बताएंगे क्या किताब के बारे में थोड़ा, कि कौन कितने की हैं, कौन सी किताब कितने की है? पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से प्रॉपर? मेरा नाम प्रमोद सोनोने, मैं महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जी। हमारा धुलिया में अंबेडकर प्रकाशन करके प्रकाशन केंद्र है। जी। जो आदिवासियों के हक के लिए और जो आदिवासियों को समस्या है उसके बारे में किताबों के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शाती है कि क्या क्या समस्या है महिलाओं को और आदिवासी लोगों को। जी। के लोगों को, इसलिए सबसे पहले एट्रोसिटी एक्ट जो किताब है ये 80 रुपए की है, और इसमें जब ये एट्रोसिटी एक्ट है उसके बारे में जानकारी दी गई। जी। और ये जो है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, इसमें आदिवासियों के 5वीं अनुसूची 6ठी और 6वीं अनुसूची सभी का दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से, स्पेशली एक अध्ययन करने के लिए संविधान के अंदर ज्यादा डीपली, हाँ, विशेष, हाँ, विशेष आदिवासियों से जो दिखाने की कोशिश की गई है। ये आदिवासियों के महानायक है
जैसे कि अपने महानायकों को, अपने हीरो को जीरो बनाने का काम चल रहा है और उनके जीरो को हीरो बनाने का काम चल रहा है। इसी के मुद्दे पर हमारी ये प्रकाशन ने ये अपने महानायकों के ऊपर एक किताब बनाई। कितने की है ये? 200 रुपए की। अच्छा, प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म, म्यूजिक फिल्म। ये सब लकड़ी का बना हुआ भैया, है ना? इसको क्या बोलते हैं, क्या काम आता है, थोड़ा बताएंगे आप? कहाँ जी, आप कहाँ से हैं? एमपी से। एमपी से हैं। तो ये क्या चीज है? ये कैंडल लैंप है। अच्छा, इसमें दीपक वगैरह जला के रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ये कहाँ बनता है? ये रुकती है। अच्छा अच्छा, और बाकी ये क्या चीज है? ये सब्जी वगैरह काटने के प्लेटर्स। सब्जी काटने का है? हाँ, इस पर रख के काट सकते। अच्छा अच्छा, इस पर रख के सब्जी काट सकते। और ये चीज? ये की होल्डर। अच्छा, की होल्डर है, ठीक है। लेटर होता है, ठीक। और ये कितने का है सर? ये जी, अच्छा उनका है। आप हो क्या यहाँ? ये कितने का है? 200 रुपए का। ये कितने? 150 का। और ये रुमाल? ये 150 वाला है, ये व्हाइट वाला 200 वाला है। व्हाइट 200। अच्छा, ये पूरा एक जोड़ी है? 150 वाली गोफन। अच्छा, ये लकड़ी का ही है। और इसके साथ तीर का कितनी आएगी? 5 तीर आएगी 700 रुपए में। ये वाले जी, मेरा प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप कहाँ से हैं दीदी? बड़वानी से। तो ये कहाँ, घर पर ही बनाते हैं? अच्छा अच्छा, तो हर सम्मेलन में आप लगाते हैं? इसके अलावा कहाँ लगाते हैं? इस जी, मतलब हमारे सम्मेलन के अलावा और भी कहीं लगाते हैं? परमानेंट इसका कोई सेंटर है जहाँ से? इसी बाजार आ जाते हैं, वहाँ पे भी लगाते हैं, भगोरिया। भगोरिया में? अच्छा, एमपी में। मतलब इसका कोई परमानेंट सेंटर है जिसका एड्रेस हो, जहाँ से मतलब सम्मेलन के अलावा लोग खरीदना चाहे तो बताइए ना। हमसे ही खरीदते हैं। एड्रेस वगैरह कुछ हो? हमारा मोबाइल नंबर। हाँ बोलिए जी, आपका पूरा जोर से बोलिए। 82-259-51-270। कहीं सम्मेलन वगैरह में हम जैसे राजस्थान में कहीं बुलाएं, जरूरत रहे, हमारे मेले वगैरह लगते हैं, आ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। इंसान एक ही काम कर पाता है, कोई जो भी काम करे। हाँ, एक ही चीज होता है, सब हर क्षेत्र में होता है। फिर तो अपन आज ये निकल दो खेत है, ठीक है। हमारा तो ये खेत है, कहते हैं ये से नहर जा रही है, तो फिर फिर भी वो खेत में दे दिया दो बोरी की बोरी ले लियो। ये किसका बनता है? अच्छा, बांस का है। मतलब एक तीर सेट और धनुष कितने का आ रहा है? एक तीर और धनुष। ये वाला कितने का है? ये तो 400 का। इसमें तीर का कितना, मतलब ये इसके तीर और तरकस ये से 7 आएगा, 800 तीनों समेत। सब पूरा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बांसवाड़ा से हैं। अच्छा, इन सबका एक ही रेट है? अच्छा।
गोफन तीर धनुष का स्टॉल लगा हुआ है ये, और आदिवासी हाट बाजार का आप वीडियो देख रहे हैं। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करें। आप हमारे इस महासम्मेलन में जो स्टॉल देख रहे हैं, हाट बाजार देख रहे हैं, इसमें सारे आदिवासी हाट नाम से स्टार्टअप है, जितने भी सारे कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ऑल इंडिया डिलीवरी, और ट्राई कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल जितने भी ट्राइब्स के जो भी कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं इन सबको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सके। बहुत ही जल्द अपनी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी आदिवासी हाट नाम से, आदिवासीहाट.com। अगर करंटली अगर कोई कुछ ऑर्डर करना चाहता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। सेम नेम से आदिवासी, बिल्कुल आदिवासी हाट नाम से। अच्छा अच्छा, ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9617551248, तो इस पर व्हाट्सएप पे कैटलॉग वगैरह सारा अवेलेबल है जी। इनका थोड़ा रेट वगैरह कुछ बताएंगे? इनका रेट वगैरह जैसे ये गोफन हो गया, ये गोफन 150 रुपए का एक, 150 रुपए। किसका बना हुआ है ये? ये सुतली का बना हुआ है, सुतली जो सुतली जो नेचुरल होती है ना। हाँ हाँ, वो नेचुरल बना हुआ, ये पोम से वुलन से डेकोरेशन होता है। फिर ये बाजू बंद वाले फूले हैं जो ज्वेलरी के साथ में यूज किए जाते हैं यहाँ पे, फिर कमर वगैरह में लेडीज। कितने का है एक जोड़ा? ये 120-150 रुपीज पे आ रहे हैं, और ये 120 रुपीज पे आ रहे हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट। ये रुमाल? ये रुमाल जो है ये 300 रुपए का है। अच्छा अच्छा, ये धनुष वगैरह, धनुष वगैरह सब अलग अलग रहे। धनुष कितने का है एक? धनुष अपने पास 800 का है, 600 का है। ये वाला आप दिखा रहे हैं जी, ये बीच वाला? ये 800 का है, ये 1000 रुपए का है जी। और ये चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बुलनी बोलते हैं। इस चीज क्या बोलते हैं? बुलनी बोलते हैं, बुलनी पार्टी। तो ये कहाँ डांस वगैरह? शादी वगैरह में यूज होती है, जो घिंचरी वगैरह कुल देवी की जो पूजा करते हैं जी, और जो मतलब लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को जो भी दिया जाता है ना, ज्वेलरी वगैरह जो भी। हाँ हाँ, अपने इसमें रीति रिवाज रखते हैं, उसमें रख के इसमें रख के दिया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, जोहार दादा। जोहार। सर किस चीज का ये लगा हुआ? सर एसिडिटी कफ के लिए, दांत के लिए, एडी फटे उसके लिए, कमर के जोड़ों के दर्द के लिए, सर्दी कफ के लिए, और डायबिटीज शुगर। अच्छा। ये दांत के लिए? दांत वाला? दांत? हां दांत। जड़ी बूटी है क्या? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक है? लेकिन दांत के लिए खाओ? दांत है, दांत, दांत पाउडर आई। और इनका रेट वगैरह ना, आपका संपर्क नंबर वगैरह बताइए। 9427787418 बड़ौदा गुजरात। अच्छा, ये 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 किस में काम आता है? डायबिटीज शुगर के लिए। अच्छा, कितने का है ये? 100 रुपये, 50 सर्दी कप के लिए। अच्छा, ये कमर के जोड़ों के दर्द के लिए 50, ये एडी फटे उसके लिए 50, दंत मंजन 40, और गैस एसिडिटी कप वाला 70। ठीक, एक ही बात है। ठीक है, मैं हल्दी घाटी से हूँ, प्रकाश, प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म चैनल है सर। ओके, सुबह निकले हम देखा सुबह 6 बजे को। सर 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 क्या हाल चाल है? कब बताना हुआ? आज तीसरा दिन हो गया, हम तो फर्स्ट दिन ही आ गए। अच्छा, तीसरा दिन। हमारे कुछ मित्र यहाँ है, सांस्कृतिक सम्मेलन में मिले हैं, हम इनसे रूबरू होते हैं। आप कब आए हैं और किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? कब, आपका क्या नाम है, नाम और एड्रेस पूरा? रोशन लाल है जी, मैं रेलमंगरा से आया हूँ जी। आज 3 दिन हो गए हैं यहीं पे। हाँ, आराम से मुझे ले रहे हैं। अच्छा, कब से आप सम्मेलन में? 13 तारीख 5 दिन से ही आ गए। मतलब और भी सम्मेलन कितने अटेंड किए आपने, कब से जुड़े? मैं तो 2-4 सम्मेलन अटेंड कर चुका हूं। 2-4 सम्मेलन आज नजर आया था तो मैं। और आप? हम भी वही हैं। क्या नाम है? पुकार राम। आप भी 13 तारीख से चैनल बना रहे हैं? लाखों ना भी जी। आप? मेरा मैं जी मरोड़खेड़ी रेल मोरा के पास में। अच्छा, रासमन की शेर है सर। आप भैया?
मेरा नाम कैलाश सिन्हा एमपी से आया जी, अब्बा से जी। मैंने अभी तक दो कार्यक्रम ऐसे देख लिए हैं, 18 से जुड़ा था। हाँ, क्या अनुभव है आपको, क्या स्पेशल चीज लगती है, बढ़िया क्या लगता है सम्मेलन में? मेरे को यही सबसे बढ़िया अच्छा लगता है कि सभी देश और राज्य के लोग एक जगह पर मिल के बातें करते हैं, समस्या को सोल्व करने की ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैं रेल मंगरा से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। मजो आ गया, बोलो मजो कब से ले रहा हूँ? मजो का 3 दिन हो गया, हापड़िया नंदिया महीने। हाँ, आदिवासी पेंटिंग है जो अभी कुछ शर्ट वगैरह यहाँ पेंटिंग करवा सकते हैं आप, ऑन टाइम मिल जाएगा आपको जिस तरह की पेंटिंग चाहते हो आप। कितने का है भैया एक शर्ट? या 200 रुपये का, अपन जो चाहे जो प्रिंट करवा सकते हैं, अपने हिसाब से भी कुछ लिखवाना हो तो। नमस्ते भाई, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप थोड़ा बताएंगे कि शर्ट के बारे में? ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग का काम है जी, टी शर्ट मग किचन कुशन किलो के बारे इस टाइप का कोई भी आइटम हो उस पर आप मैनुअली प्रिंटिंग कर सकते हैं। आपका फोटो लगाना चाहे, फैमिली का लगाना चाहे, या फिर आपको कोई सीनरी लगानी है, इस टाइप का सारा प्रिंटिंग ऑन द स्पॉट हो जाता है। कार्यक्रम के अलावा भी ऑर्डर करवा सकते हैं? अच्छा, कोई ग्रुप पूरा संख्या ज़्यादा हो तो आपको कैसे संपर्क करें? आपके संपर्क नंबर? डूंगरपुर से है जी, मेरा मेन सेंटर डीबी टी शर्ट सब्लिमेशन। हाँ, संपर्क नंबर 9461699। ठीक, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? मकनपुरिया से। राजसमंद क्या 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 बनवा रहे हैं? हम तो अभी कब बनवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कब से हैं आप सम्मेलन में? आज 3 दिन से। मिलते हैं वापिस, है ना? हाँ। एक चक्कर लगा के।